सभी का स्वागत करता हूं मानिसला नेट जीआरएफ चैनल पर। साथियों, आप लोगों का फोर्थ फेज का डेट शीट आ गया, जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उन सब का डेट शीट आ चुका है। तो आज के वीडियो में कौन कौन से सब्जेक्ट का डेट शीट आया, किसका एग्जाम पहले होगा और किसका एग्जाम बाद में होगा, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और लास्ट टाइम में आप क्या करें, क्या सा ट्रिक अपनाएं, क्या स्मार्ट वर्क करें हार्ड वर्क की जगह पे कि आपका जीआरएफ क्रैक हो जाए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो में आपको बने रहना है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूं, साथ ही साथ मैं दो बार नेट जीआरएफ एग्जाम क्रैक कर चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी मेरी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मेरे बनाए गए पेपर वन और पेपर टू के नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, साथ ही साथ डेली क्लास का जो पीडीएफ होता है वो फ्री मिलेगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि आपका नोटिस आ चुका है, ये 6 मार्च को यानी आज के डेट में ही जारी किया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, सोशियोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, लॉ है और मैनेजमेंट है। तो सोशियोलॉजी का 11 मार्च को है, कंप्यूटर साइंस का 11 मार्च को है शिफ्ट सेकेंड में, लॉ का भी 12 मार्च को है फर्स्ट शिफ्ट में और मैनेजमेंट का भी 12 मार्च को है। साथियों, तो आप देख सकते हैं ये सारा सब्जेक्ट है। बाकी सब सब्जेक्ट के लिए एनटीए ने कारनामा किया है, वो कारनामा ये है कि अब आपका जो एग्जाम है 12 के बाद ही हो पाएगा, ठीक है। तो पहले तो इन्होंने कहा था कि 12 मार्च से पहले पहले तक हम सारा एग्जाम करा लेंगे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, कुछ सब्जेक्ट बच ही गया है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि क्या आखिरकार आप ऐसा करें, क्योंकि देखिए मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन कोचिंग के स्टूडेंट हो, सभी कह रहे हैं कि सर पीवाईक्यू बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। और ये बिल्कुल सही बात है, और एज इट इज हो रहा है रिपीट, एकदम जैसा है औसा हु बहू, और ऑप्शन तक चेंज नहीं कर रहे हैं एनटीए वाले। क्यों, आपको मालूम है साथियों कि दिनों दिन जो है कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जा रही है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। आज के समय में 12 लाख से ऊपर लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो ज्यादातर शिफ्टों में एग्जाम होने की वजह से ये लोग कितना क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, और फिर सबका सिक्योरिटी का इशू है, सबको वो करके रखना, तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, यही वजह है। तो आप अभी भी अगर अन्य झमेलों और चक्करों में पड़े हुए इधर उधर भटक रहे हो अगर, तो आप चेत जाइए, क्योंकि अब यहां पर अगर आप पी बाई क्यू का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसकी भरपाई करना आपको बहुत ही मुश्किल होगा। साथियों, तो अब आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना है, एक एक क्वेश्चन का ऑप्शन सहित आप करें। और इसके लिए हमारा चैनल आपकी हेल्प कर रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रेगुलर पेपर वन की क्लासेज चैनल पर है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जब तक आप काम नहीं करेंगे आप जीआरएफ क्रैक नहीं कर पाएंगे साथियों, ये कर भी सच्चाई है। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो लगा है तो अपने साथियों में इसको जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें।